और बारीकी जाली दी गई है। तूड़ी वाली मशीन के अंदर भी आप चला सकते हैं इसको। थोड़ी सी कमी बताऊं क्या रख दी इन्होंने, ये पिछला हिस्सा है जो इसका, ये भी आपको बुल पिनियन रिडक्शन के अंदर दिया गया, ये हेवी ड्यूटी होता है। राम राम और सत श्री अकाल भाई सभी मेरे दोस्तों मित्रों को, मैं हूं अक्षय जाखड़ और आप देख रहे हैं पावर स्ट्रोक ट्रैक्टर्स। तो भाई आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वराज का 742 XT है भाई। और भाई कंपनी ने ना नया एक इवेंट रखा था अभी पीछे, तो उसमें लॉन्च किए हैं ये। इसमें क्या है कि आपको हाई लो मीडियम स्पीड के अंदर भी ट्रैक्टर है जो लॉन्च कर दिए हैं। कई मेरे भाइयों की डिमांड थी, किसान भाइयों की, भी जल्द से जल्द है जो ट्रैक्टर हाई लो मीडियम के अंदर आए। तो ये अभी क्या है कि 48 एचपी के अंदर कंपनी ने है जो लॉन्च कर दिया अभी स्वराज का 742 है, जो पहले 45 एचपी में आता था ये ट्रैक्टर। तो अभी इसके अंदर क्या है कि 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है और 3307 सीसी का इंजन है इसका। और आपको ना इनलाइन पंप मिलेगा, बोस कंपनी का पंप है वो दिया गया है। और भाई इसका है ना सिंगल पीस बोनट कर दिया है, और आगे से देखो बड़े आराम से है जो ऊपर की ओर उठ जाएगा। इसके अंदर सिंगल सिलेंडर है वो लगाया गया है शायद तक, ठीक है। बाकी भाई स्वराज का इसके अंदर इंजन है वो लगा हुआ है। कई मेरे भाई पूछते हैं भाई कौन सा इंजन लिया है, तो आप स्वराज का खुद का इंजन है जो इसके अंदर मेंशन किया गया है। बाकी आपको डबल पंप मिलेगा, एक पावर स्टीयरिंग के लिए है और दूसरा है जो लिफ्ट के लिए दिया गया है। तो इसमें क्या है कि सिंगल एक्टिव पावर स्टीयरिंग दिया गया है। और आगे के टायर की बात करें, 616 के आगे के टायर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें भी फ्रंट का जो एक्सल दिया गया है ना वो नॉन एडजस्टेबल दिया गया है, यानी कि हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल है जो आपको इसमें देखने को मिलेगा। और भाई थोड़ा सा है ना दूर होके दिखाओ एक बार, ये जो जाली दी गई है ना ये बड़ा यार कर्वी सा डिज़ाइन दिया गया है। पहले जो आता था ना ट्रैक्टर उसमें क्या है फ्लैट डिज़ाइन था, इसमें इस बार कर्वी कर दिया गया है और बारीकी जाली दी गई है। तूड़ी वाली मशीन के अंदर भी आप चला सकते हैं इसको। और इसका जो टॉप वेरियंट होगा उसके अंदर आपको ना यहाँ पे LED लाइट्स है वो भी देखने को मिल जाएगी। और भाई ये है ना इसको आप बड़े आसान तरीके से जो ओपन भी कर सकते हैं। तो भाई अभी इसका है ना बोनट अपने ओपन करके देखते हैं, इस प्रकार से जो आसानी से बोनट है वो ओपन हो जाएगा। और ये देखो सिंगल सिलेंडर दिया गया है इसके अंदर, और ये शायद तक इसमें ना ये बोनट है ये लोहे का दिया गया भाई, ठीक है, ऐसे नहीं है फाइबर वगैरह लगा दिया। और रेडिएटर है बिल्कुल खुला है भाई, आगे कोई प्रोटेक्शन जाली है वो नहीं दी गई है इसके अंदर, ठीक है। और कूलेंट कूल्ड है इसका इंजन है वो दिया गया है। एक बार भाई इंजन अपने दिखा देते हैं इसके अंदर। तो ये स्वराज का इस प्रकार का इंजन है जो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अभी महिंद्रा के अंडर में ये कंपनी है जो काम कर रही है। और इसमें आपको है ना 3 स्टेज ऑयल बाथ वाला एयर फिल्टर है वो देखने को मिल जाएगा। और इधर वाली साइड में देखिए ये कंपनी स्वराज के सभी ट्रैक्टरों में सेम ही एयर फिल्टर आता है, ये हमेशा याद रखना आप, ठीक है। और इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो 56 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाएगा। और वहीं गियर बॉक्स देखेंगे अपन, चेक करके देखेंगे अपने ऊपर बैठ के पूरा ट्राई करेंगे, ठीक है ट्रैक्टर को। तो भाई काफ़ी आरामदायक है, ड्राइवर व्यू भी अच्छा है, थोड़ा सा है ना कर्वी डिज़ाइन कर दिया गया, एरोडाइनमिक शेप के अंदर है इसका डिज़ाइन है जो। बाकी क्लच वगैरह है ना आपको सिंगल क्लच, डबल क्लच, IPTO क्लच, तीनों क्लच है जो इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। जो भी वेरिएंट आपको चाहिए उस वेरिएंट पे पैसा लगाइए, ठीक है। तो अभी जो अपने रिव्यू कर रहे हैं ये टॉप मॉडल का कर रहे हैं भाई, तो इसके अंदर आपको IPTO क्लच है वो भी मिल जाएगी। मैं आपको ऑपरेशनल एरिया है वो दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो दब के शेयर कर दो एक बार वीडियो को। तो ये कुछ इस प्रकार का ड्राइवर व्यू है जो आएगा भाई। और भाई थोड़ी सी कमी बताऊँ क्या रख दी इन्होंने, मीटर है वो डिजिटल नहीं दिया इसके अंदर, देख लो भाई सेम पुराने वाला मीटर है वो दिया गया है। और इजी स्टेयरिंग वेल है बिल्कुल भाई, और इसमें आपको हाई लो गियर स्पीड मिलेगी, मीडियम नहीं दिया गया क्योंकि ये अलग वेरिएंट है ना। और ये IPTO के लिए क्लच है वो भी दे रखी है। इसमें आपको CRPTO 540 RPM के साथ में स्टैंडर्ड PTO प्लस रिवर्स PTO है वो भी देखने को मिल जाएगा। और कॉन्स्टेंट मेस गियर बॉक्स है जो इसमें दिया गया किसान भाइयों, 1700 kg की आपको इसमें लिफ्ट कैपेसिटी दी गई है। बिल्कुल ड्राइवर सीट के पास में लिफ्ट की लीवर है वो दे रखी है, और साइड गियर में कर दिया गया भाई। ऑयल इमर्स्ड ब्रेक मिलेंगे, खुला प्लेटफॉर्म है भाई। अगर कोई मेरा भाई स्वराज ट्रैक्टर खरीदना चाहता है ना 48 HP में, आँख मीच के खरीद लो भाई ये ट्रैक्टर, ठीक है। काफ़ी शानदार लगा मुझे तो। बाकी भाई ईजी है, एक्सीलेटर वगैरह खुला प्लेटफॉर्म मिलेगा। और इधर वाली साइड में आपको हाई लो और ये PTO के लीवर दिया गया, और ये IPTO के लिए क्लच दी गई है। और यहाँ पे 30.1 kW का दिया गया भाई, और SFC दी गई है 257 kWh की SFC है, आप लगा लेना और चेक कर लेना भाई इसको, ठीक है। बाकी भाई काफ़ी शानदार है ट्रैक्टर,
और यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए बॉक्स भी मिल जाएगा इधर वाले साइड में 12 वोल्ट की बैटरी के साथ में, ठीक है। और ये आपको ऑक्सिलरी लीवर है वो दिया गया, ड्राइवर सीट काफ़ी आरामदायक दी गई है, ठीक है। और वहीं बात करें इसकी अगर फेंडर की ना, तो ये भी कर्वी डिज़ाइन के अंदर है पूरा, है ना। इसको मतलब एक मॉडर्न लुक देने की कोशिश की है कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और पीछे के अगर टायर की बात करें अपने, तो 14/9/28 के पीछे के टायर है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और वहीं ये पिछला हिस्सा है जो इसका, ये भी आपको बुल पिनियन रिडक्शन के अंदर दिया गया। ये हेवी ड्यूटी होता है, ये सबसे एडवांस तो नहीं कह सकते लेकिन हेवी ड्यूटी है, काफ़ी आरामदायक है चलाने के लिए ट्रैक्टर में, मतलब लाइफ टाइम इसकी गारंटी रहती है इस चीज़ की, क्योंकि ये ज़्यादातर है ना दूसरे हिस्से है ना उनकी सर्विस मेंटेनेंस है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसका वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। और डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे आपको, और ये ऑक्सिलरी लीवर है वो भी दे रखा है ट्रॉली को आसानी से उठवाने के लिए, क्योंकि एक अलग से एक्स्ट्रा लीवर दिया गया ना। और ये आपको इजी हिच मिलेगा भाई, यहाँ पे पीछे खड़े खड़े ही ट्रॉली है जो आप जोड़ सकते हैं, या भी कोई भी इम्प्लीमेंट है लिफ्ट से रिलेटेड वो आप आसानी से जोड़ सकते हैं भाई। और भाई काफ़ी खुली है लिफ्ट की लिंकेज, काफ़ी हैवी ड्यूटी दिया गया, यानी कि ADDC टाइप के आपको इसमें लिफ्ट की लिंकेज है वो देखने को मिल जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वाली है। बाकी भाई काफ़ी शानदार है ट्रैक्टर, पावर स्टेयरिंग पहले सिंगल एक्टिव में ही आता ही है, ठीक है। बाकी आपको रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी इसी प्रकार की वीडियो है जो हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, लव यू ऑल।